मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरा अन अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात कर रहे हैं सैफाई पैरा मेडिकल कोर्सेस में जो प्रवेश प्रक्रिया है, उसमें एग्ज़ाम होता है, उसके पैटर्न पर, उसकी चीज़ों पर। यहाँ हम तीन चीज़ों की आज बात करेंगे, फिर अगले वीडियो में आगे की बात करेंगे। तो यहाँ तीन कौन सी बातें हैं उस पर हम आपको बता दें, कौन कौन से कोर्सेज हैं उस पर बात करेंगे, अप्लीकेशन फ़ीस कितनी है इस पर बात करेंगे, और किस कोर्स के लिए कौन सी शैक्षिक योग्यता रखता है, यानी कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे उस कोर्स को भरने के लिए। इन तीन टॉपिक पर बात करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में आगे की बात करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम का सिलेबस और उन चीज़ों पर बात करेंगे। तो पहले हम समझते हैं इन तीन चीज़ों को जिसको आपको कल से फॉर्म भरना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, आपके सामने इसका बुलेटिन बाउचर है, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफाई इटावा, इसकी विवरण पुस्तिका में जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे। अपनी तरफ से कोई चीज़ इसमें हमें नहीं बताना है, तो इसमें इसलिए डाउट किसी भी प्रकार का नहीं होना। जो नर्सिंग, इसमें देखिए, इसमें जो कोर्सेज बताया जाता है पैरामेडिकल कोर्सेज सारे हैं, फार्मेसी के हैं और नर्सिंग के हैं, और इनमें कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ऑनलाइन प्रारंभ करने की तिथि 21 दिसंबर है, यह आप सभी लोग जानते हैं, और अंतिम तिथि जो है इसकी 28 दिसंबर है। ये सब चीज़ें हैं, और कंप्यूटर बेस्ड इसकी परीक्षा होगी। ये सब इसमें पूरी व्यवस्था से दिया गया है कि कौन से पेज पर क्या चीज़ें हैं। देखिए, विषय वस्तु है, महत्वपूर्ण सूचनाएँ हैं, पाठ्यक्रम सीटें शैक्षिक योग्यता है, अहर्ताएँ हैं, आवेदन भुगतान प्रक्रिया है, परीक्षा कार्यक्रम है, आरक्षण है, प्रवेश पत्र है, यानी हम इसमें जितने भी 10-11 टॉपिक 13 दिए गए हैं सब पे एक एक बार चर्चा करेंगे हर एक वीडियो में। इसमें हम 3 से 4 महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे जिनको आपको कल ज़रूरत होगी फॉर्म भरने के लिए। यह शेड्यूल आप देख चुके हैं, पहले से जानते हैं शेड्यूल, ये हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, आपको किसी भी प्रकार की इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आपका फॉर्म कहाँ मिलेगा। तो आप जानते हैं कि www.upums.ac.in पर मिलेगा, और उसमें आपको httpcppnet.in पर भी ये उपलब्ध है, आप सभी लोग जानते हैं। देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर 13 कोर्सेज हैं, कुछ देख लीजिए आप, सीधा करते हैं तो 17 कोर्सेज यहाँ पर हैं। कौन सा कितने साल का है इसी पर हम चर्चा ये इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए, बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लेबोरेटरी यानी BMLT, ये पैरा मेडिकल कोर्स है, आप समझ सकते हैं ये पैरा मेडिकल कोर्स है, और ये 3 वर्ष का कोर्स है और 6 माह की इसकी इंटर्नशिप है। आप समझिए, इसमें 60 सीटें हैं, और इसमें एलिजिबल कौन होगा। देखिए, एलिजिबल जो होगा इसमें एलिजिबल होगा, आप समझ सकते हैं कि जो इंटरमीडिएट यानी क्लास 12th या उसके समकक्ष, उसके पास भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, रसायन यानी केमिस्ट्री, यानी जीव विज्ञान PCB होना चाहिए, वही इसके लिए एलिजिबल है BMLT के लिए, और 50% अंक उसके पास होने चाहिए। अगर अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति का है तो उसके पास 45% होने चाहिए, और उसकी उम्र जो है 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी इसमें है, यानी उसके पास PCB होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो होना चाहिए, यानी मैथ्स का इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो यानी इसमें कौन कौन से हैं, देखिए इसमें 4 कोर्सेज आएंगे, एक BMLT आएगा इतनी एलिजिबिलिटी पर जो हमने बताई है, इसमें 4 कोर्सेज ये शामिल होंगे, BMLT, BPT एंड बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ साइंस एंड रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, और बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, ये चीज़ हो गई। ये पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, इन पैरामेडिकल कोर्सेज में कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं वो जो हमने PCB बताई, इनकी 4 वर्ष है, किसी की 3 वर्ष है, और किसी की 4 वर्ष प्लस इंटर्नशिप जो है, 3 वर्ष का शैक्षणिक और 1 वर्ष की इंटर्नशिप है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे कि क्या, और सब में 60-60 सीटें हैं। तो ये 4 कोर्सेज हो गए। बी फार्मा की बात करते हैं, यहाँ बी फार्मा में 60 सीटें हैं, जो लोग उसमें चूक गए थे उनको नहीं मिल पा रहा, तो यहाँ फार्मेसी की यहाँ वो कर सकते हैं, बी फार्मा यहाँ से भी वो कर सकते हैं। तो बी फार्मा में आप देख लीजिए एलिजिबिलिटी 60 सीटें हैं, यहाँ इंटरमीडिएट विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान अथवा गणित। देखिए, यहाँ पर जो ऊपर एलिजिबल थे वो तो हैं,
इसमें साथ साथ में गणित जिसके पास हो वो भी एलिजिबल है, यानी जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी, ये चार विषय होने चाहिए इनके साथ जो है वो एलिजिबल इंटर। और या भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और अंग्रेजी, ये चार विषय हों तो अनिवार्य। 17 साल से कम उम्र, 60 सीटें, ये फार्मेसी के लिए हो गया। अब आप समझ गए होंगे। उसके बाद आइए नर्सिंग की बात करते हैं। तो यहाँ नर्सिंग में, बैचलर नर्सिंग में कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, ये 4 वर्ष का कोर्स है, आप देख सकते हैं। और 60 सीटें यहाँ पे भी हैं, 60 सीटें यहाँ भी हैं। यहाँ क्या देखिए, एलिजिबिलिटी जो है 10th और 12th क्लास में साइंस PCB होना चाहिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इंग्लिश होना चाहिए, ये कोर सब्जेक्ट्स हो गया। 45% मार्क्स भी होने चाहिए, और ये किसी भी बोर्ड से हो, अदर और अदर इक्विवेलेंट बोर्ड और NIOS 7, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से भी हो, और 5% की रिलैक्सेशन SC ST को यहाँ मिलेगा, और इसमें ये सब लोग एलिजिबल हैं। अब ये चीज़ हो गई नर्सिंग के बारे में। अब आ जाइए अगला, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ, यानी JNM। तो JNM 3 वर्ष का है, 60 सीटें इसमें भी हैं। इसमें एलिजिबल कौन कौन से, इसमें भी वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो लगभग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका ऊपर है। इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं वो 10+2 इंग्लिश है मस्ट, यानी इंग्लिश यहाँ मस्ट है, JNM के लिए इंग्लिश मस्ट है, और बाकी उसके लिए क्राइटेरिया नहीं है कि वो PCB से हो या किसी और से हो, यानी उसके पास इंटर में इंग्लिश होनी चाहिए JNM के लिए। तो आप इतनी चीज़ समझ गए होंगे, और किसी भी चीज़ से वो पास हो, इंग्लिश हैविंग 40% मार्क्स एंड वैकेशंस ANM कोर्स फॉर द स्कूल रिकॉग्नाइज इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो ये चीज़ें हैं, CBSE बोर्ड रजिस्टर्ड ANM विद पासिंग मार्क, यानी ANM JNM जो दोनों चीज़ें हैं उनके लिए ये चीज़ यहाँ पर एलिजिबल हो जा रही है। तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ ANM के लिए, ANM का जो कोर्स है वो 2 वर्ष के लिए है, और ये 3 वर्ष के लिए था। इसमें ANM में जो है, ANM में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें 10+2 इन आर्ट्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, यानी ये सारे सब्जेक्ट जो इसमें दिए गए हैं उनमें से कोई हो, इंग्लिश होना ज़रूरी है, साइंस और हेल्थ और केयर साइंस, और ओनली पासिंग आउट द रिकॉग्नाइज बोर्ड NIOS, चाहे NIOS से हो, 17 साल से 35 साल की उम्र इसमें होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। फिर उसके बाद आ जाइए डिप्लोमा में। तो डिप्लोमा की सबकी, सारे डिप्लोमा है उसके बाद, तो डिप्लोमा में आप देख लीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसकी एलिजिबिलिटी आप समझ लीजिए। आप सब लोगों ने अभी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का फॉर्म भरा था, उसमें क्या पूछा गया था, सेम चीज़, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित अब्लिक में होना चाहिए, और जो एलिजिबिलिटी वहाँ थी सेम एलिजिबिलिटी यहाँ भी है, कोई चेंजेस नहीं, 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। सब में जो है 20-20 सीटें हैं, किसी में 1-2 में 30 सीटें हैं आप देख सकते हैं, और किसी में 15 सीटें हैं। यहाँ सारे के सारे कोर्स नंबर 9 से लेकर 17 तक हैं। OT यानी हो गया, OT हो गया आपका, ऑप्टो टेक्नीशियंस हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, डायलिसिस हो गया, CT स्कैन हो गया, कार्डियोलॉजी हो गया, MRI हो गया, इमरजेंसी हो गया, ठीक, डिप्लोमा इन OT हो गया। अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, डिप्लोमा इन ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियंस, DBT D, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, आप आसानी से इनको कर सकते हैं। यहाँ आपको डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन इसमें नहीं है, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन नहीं है, उसके लिए यहाँ जो स्टार्टिंग में आपने देखा था वो हमारा BAMLT, ये साइंसेस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये बैचलर डिग्री यहाँ पर पैरामेडिकल की है। तो ये 17 कोर्सेज हैं, आप सभी एलिजिबिलिटी समझ गए होंगे आसानी से। अगर कहीं डाउट होता है तो आप फिर से आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पर फीस की, कि कितनी इसमें फीस होगी। बाकी आयु सीमा है, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हों, JNM के लिए 31 दिसंबर 2020 यानी 35 वर्ष से अधिक ना हो, और ये, और देखिए ANM के लिए पाठ्यक्रम केवल महिलाएं हैं, यानी JNM के लिए सब लोग एलिजिबल हैं, बॉयज़ भी एलिजिबल हैं और गर्ल्स भी। लेकिन ANM के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, ANM के लिए सिर्फ केवल महिलाएं ही इसमें पात्र होंगी, ये चीज़ हो गई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थी जो हैं इनकी अंक तालिका और उनके हिसाब से चीज़ें होंगी। OBC छात्र का जो जात प्रमाण पत्र होगा वो 1 अप्रैल 2020 से पूर्व का नहीं होना चाहिए, यानी 1 अप्रैल 2020 से बाद का होना चाहिए, आपको लेटेस्ट बनवाना ही पड़ेगा, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ आवेदन कैसे करें वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। और एक चीज़ है,
यहाँ पर हम जो आवेदन की फ़ीस है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। आवेदन की फ़ीस देखिए, आवेदन की जो फ़ीस है वो आप देख लीजिए 1,000 रुपये है। ये नॉन रिफंडेबल होगी, यह सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदन के लिए होगी, ऑनलाइन इसका पेमेंट होगा, ये चीज़ हो गई। और अनुसूचित जाति के लिए जो है, जनजाति के लिए 500 रुपये है, यानी 1,000 रुपये दो वर्गों के लिए, बाकी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 500 रुपये इसमें है। नॉर्मली जिसमें जैसा सब में होता है सेम छूट के साथ यहाँ भी, तो आवेदन आपको इतनी इसमें करनी है, ये चीज़ें हो गई। अब कैसे आपको फॉर्म भरना है और पेपर पैटर्न क्या है वो अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो बने रहे मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना जुड़े, एक एक चीज़ खबर दूंगा और कैसे पेपर आता है उस पर भी डिस्कशन करूंगा, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं सब पे डिस्कशन करूंगा। आप बस मेरे चैनल पर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।